सभी दर्शकों से भाई रसिया रसिया पिछले पहली रेड गुरुकुल अकेडमी की काफी यंग युवा रेडर बोनस और रनिंग हैंड और रनिंग हैंड की इन चीज पर काफी 24 नंबर के खिलाड़ी दूसरी 24 नंबर की अभी तुम्हारा वाले तीन लाइन में जब करते हैं बोनस पॉइंट यहाँ पर पैर कैसे हो गया रहमतपुर की टीम बोनस के साथ अपना खाता खोलते हुए गुरुकुल अकेडमी यंगस्टर 4 नंबर रेडर काफी दर्शकों का दिल जीत रखा है टीम ने काफी युवा टीम और काफी अच्छा खेल बहुत ही अच्छी आने का प्रयास और अभी तक भी इंतजार कर दोनों की टीम एक एक पॉइंट और रहमतपुर के 16 नंबर के खिलाड़ी काफी जानदार बलशाली खिलाड़ी गुरुकुल अकेडमी के कोर्ट पर रेड करते हुए राइट कॉर्नर से रेड स्टार्ट करते हुए शानदार रनिंग एंड टच हेल्प के द्वारा ये पॉइंट गवा दिया गया है और एक अंक और रहमतपुर की टीम को इसी के साथ 2 अंक हो चुके हैं रहमतपुर के और 1 गुरुकुल काफी शानदार ये रेड अच्छा फुटवर्क अच्छी स्पीड के साथ रेड करते हैं ये दोनों ही रेडर 4 नंबर और 7 नंबर गुरुकुल अकेडमी से लेकिन इस बार शानदार फुर्ती के साथ एक पॉइंट निकाल लिया है यहाँ पर गुरुकुल अकेडमी के 7 नंबर के रेडर ने 24 नंबर के खिलाड़ी एक बार फिर से कोर्ट पर जाते हुए और भाई इस टीम के बाद जो मैच बोला गया था वो मैच अभी नहीं हो पाएगा इस टीम के बाद गुरुकुल अकेडमी इसोपुर और बसेड़ा ये टीम तैयार हो जाए भाई गुरुकुल अकेडमी इसोपुर और बसेड़ा इस मैच के बाद थोड़ा चेंजिंग करा गया यहाँ पर शेड्यूल में और एक बार फिर से यहाँ पर गुरुकुल अकेडमी के रेडर पॉइंट निकालने में सफल स्कोर बढ़कर 3-3 बराबर इस युवा टीम ने गुरुकुल की एक बार फिर से 16 नंबर की खिलाड़ी है काफी जानदार खिलाड़ी हैं पिछली बार भी रनिंग हैंड टच से पॉइंट लेके गए थे इस बार कॉर्नर पर प्रयास करते हुए राइट कॉर्नर से रेड चलती हुई अच्छे फुटवर्क डिफेंस चेक करते हुए अतिरिक्त रिक्स ना लेते हुए एम पीरियड के साथ ये रेड समाप्त और एक बार फिर से ये रेडर बहुत ही अच्छे लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए हेल्प पर अपना निशाना लगाते हुए फिल्प का प्रयास और एक बार फिर से ज्यादा जोखम एक बार फिर से सुरक्षित अपने कोर्ट पर स्कोर दोनों टीम का बराबर और 24 नंबर के खिलाड़ी राइट कॉर्नर से रेड स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे क्रॉस लाइन रेखा पार करने के बाद अपने फुटवर्क चलाते हुए कॉर्नर के पास और अच्छा दबाव बनाते हुए यहाँ पर काफी शानदार रनिंग हैंड टच हेल्प द्वारा ये एक अंक बढ़त बना लिया यहाँ पर रहमतपुर की टीम ने और बहुत ही शानदार किक इसी के लिए मशहूर है दोनों रेडर 7 नंबर और 4 नंबर लीड नहीं बनने दे रहे हैं ये युवा खिलाड़ी दर्शकों से अनुरोध है तालियों के साथ इनका स्वागत करें जो इतना अच्छा मैच चल रहा है युवा टीम बहुत ही अच्छा खेलती हुई कोई भी नहीं मारना सबको नींद आ रही और हुटिंग के साथ ये एंजॉय करें इस मैच को बहुत ही तूफानी मैच ये और यहाँ पर एक अच्छा प्रेशर बनाया डिफेंस पर और एक बार फिर से ये रेडर अच्छे मूव के साथ रेड करते हैं अच्छे फुटवर्क इनके हैं
बोनस की ट्राई काफी अच्छी जल्दी करते हैं, बहुत ही स्पीड के साथ निकलते हैं और यहाँ पर एक बार फिर से बोनस का प्रयास, लेकिन इस बार रेफरी ने प्रयास स्वीकारा नहीं। स्कोर बराबर ही पे रुका हुआ है, 4-4। दोनों ही टीम हम किसी से कम नहीं। और यहाँ पर एक शानदार चेयर लगाया एकता में बल, सभी डिफेंडरों ने मिलकर निकाला, लेकिन शानदार राइट कॉर्नर से चैन लगाई पर। इसी के साथ इस मैच में एक अंक की लीड बना चुकी है गुरुकुल की टीम, एक एक पॉइंट बहुत ही कंजूसी से खर्च कर रहे हैं यहाँ पर ये दोनों टीम। ये 4 के रेडर मैच साथ देते हुए 7 का अच्छा साथ दिया है हर मैच में, और एक गोल बोनस का शानदार प्रयास, और रेफरी इस प्रयास से संतुष्ट नहीं, मगर काफी अच्छी रेड यहाँ पर। 24 के खिलाड़ी एक बार फिर से डिफेंस चेक करते हुए राइट कॉर्नर पे जाकर क्रॉस बाउंड्री का पार करने के बाद फ्लिप का प्रयास, काफी ऊंचे लेवल पर यहाँ पर इस युवा टीम का विश्वास है। एक शानदार टैगल किया था अभी और क्रॉस का प्रयास, लेकिन रेफरी संतुष्ट नहीं। डू ऑर डाई ये रेड, माहिर खिलाड़ी हैं ये दोनों ही डू ऑर डाई के, गुरुकुल एकेडमी के। स्कोर 5-4, 1 के लिए गुरुकुल के पास। और फिलिप का भी शानदार, काफी सुंदर ये रेड, दर्शकों को एंजॉय आता हुआ तालियों के साथ इस रेड का स्वागत किया। इनके साथ 2 की लीड बना चुकी है गुरुकुल एकेडमी की युवा टीम। 24 के खिलाड़ी रनिंग हैंड टच का प्रयास, मगर बहुत ही अच्छे डिफेंस खेलता है और शानदार ये पॉइंट। 5-6, 1 का अंतर अभी भी है। दोनों ही टीम काफी कंजूसी के साथ खेल रही हैं, पॉइंट देना मुनासिब नहीं समझा अभी तक। और यहाँ पर एक और शानदार फ्लिप भी यहाँ पर लगाई, क्या कमाल की फ्लिप है। 7-5, इसके पेट में चला दर्शक हाथ बांध के ना खड़े भाई, इतने गर्मा गर्माई के मैच में क्या अच्छा मैच ये चलता हुआ, तो कृपया तालियों के साथ इनकी रेड का स्वागत करें। 24 के खिलाड़ी दबाव बनाते हुए कॉर्नर के खिलाड़ी पर, और यहाँ पर रेडरशिप शानदार रेड यहाँ पर, शानदार पॉइंट। 6-7, 7 के खिलाड़ी रेड पर, स्कोर लगभग बराबर ही है, 1 का अंतर, 1 ऊपर गुरुकुल एकेडमी की टीम। 7-6, खिलाड़ी लगातार रेड करते हुए लगातार प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन ज्यादा पॉइंट निकालने में भी तक सक्षम नहीं है, और ना ही युवा डिफेंस ने भी काफी संयमता से अपना डिफेंस खिलाया है एक नियंत्रणता के साथ। बोनस की ट्राई और काफी शानदार बोनस रेफरी ने एक्सेप्ट किया, इस बोनस के साथ स्कोर बराबर कर दिया है यहाँ पर रामतपुर की टीम ने। 4 के खिलाड़ी काफी अच्छी किक लगाई और काफी मजबूती से किक लगाते हैं, क्लियर किक, क्लियर रनिंग एंड टच और क्लियर बोनस का प्रयास करते हैं। शानदार एक पॉइंट और निकाल लिया है यहाँ पर, 7वें आसमान पर अपना मनोबल बढ़ाए हुए यहाँ पर गुरुकुल अकेडमी के खिलाड़ी, 1 फिर से ऊपर। दोनों ही टीम हम किसी से कम नहीं, ऊपर नीचे चल रही है स्कोर लेवल पर दोनों टीम की। खिलाड़ी एक बार फिर से डिफेंस पर दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन संयमता से खेलता हुआ डिफेंस यहाँ पर एक शानदार लोड कर लिया है यहाँ पर, बाकी का काम किया बाकी डिफेंडरों ने, और इस मैच में 2 की लीड बना चुकी है अब गुरुकुल की टीम। और 7 के खिलाड़ी एक बार फिर से रेड करते हुए
काफी शानदार ये रेड चलती हुई, काफी अच्छा फुटवर्क और इस बार शानदार बैक होल्ड कर लिया है। एक पॉइंट की लीड रह चुकी है अब बिल्कुल